नमस्कार। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है फैंसी ट्विल्स। इस लेक्चर में हम जो भी फैंसी ट्विल्स हैं, यानी ट्विल जिनमें हम कुछ परिवर्तन करके अलग अलग प्रकार के जो ट्विल्स बनाते हैं वो फैंसी ट्विल्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम होती क्या है फैंसी ट्विल। नियमित ट्विल में परिवर्तन व संयोजन, यानी रेगुलर ट्विल्स में चेंजेस और कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरह के ट्विल इफेक्ट बनाए जाते हैं, ट्विल प्रभाव बनाए जाते हैं, जिन्हें फैंसी ट्विल कहा जाता है। इनके बनाए गए ट्विल प्रभाव के अनुसार ये मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। इनके टाइप्स कौन कौन से हैं? फैंसी ट्विल के प्रकार, पहला है लार्ज डायगोनल, दूसरा है शेडेड ट्विल जिसमें सिंगल शेडेड और डबल शेडेड ट्विल होते हैं, तीसरा है फिगर ट्विल यानी नक्काशीदार ट्विल, चौथा है डायगोनल ऑन सटीन बेस यानी सटीन आधार पर विकर्ण कैसे बनाए जाते हैं। पहला है लार्ज डायगोनल यानी बड़े विकर्ण। बड़े विकर्ण यानी वैसे तो सारे ट्विल जो होते हैं वो मूलतः 45 डिग्री के एंगल पर बनते हैं और इन्हें रेगुलर ट्विल जो बनते हैं उन्हें डायगोनल ही कहा जाता है। लेकिन जब डायगोनल्स को अलग अलग तरह से 45 डिग्री के एंगल पे, उससे कम या उससे अधिक कोणों पर बड़े रूप में बनाया जाता है तो वो लार्ज डायगोनल कहलाते हैं। नियमित रूप से विकर्णों को आमतौर पर उनके पिक्स या सिरों में दो या दो से अधिक रेगुलर ट्विल्स यानी दो रेगुलर ट्विल्स या उनसे ज्यादा ट्विल्स को जब कंबाइंड करके बनाते हैं तो वो लार्ज डायगोनल कहलाते हैं। देखिए, विकर्ण रूप में दो या दो से अधिक छोटे ट्विल मिलाकर साधारण ट्विल या विकर्ण बनाने की विधि जो है वो हमने एक फिगर ए और बी में दिखाया है। आगे जो फिगर ए और बी है उसमें हम इन दोनों विधियों से जो है कैसे बनाए जाते हैं लार्ज डायगोनल वो दिखाया गया है। इन विकर्णों का हालांकि बहुत कम संख्या में हील्ड यानी इसमें हील्ड्स आर ड्राफ्टिंग जो होती है वो कम हील्ड्स पर नहीं कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें जितने बड़ा हम डायगोनल बनाएंगे उतने ही ज़्यादा हील्ड्स हमें चाहिए होंगे। बुनाई के निर्माण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु यह है कि ट्विल्स को एक उपयुक्त तरीके से एक साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जो डायगोनल है वो बिल्कुल फर्म होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। फिगर ए में हमने दो ट्विल यूज किए हैं, वन एंड थ्री, वन अप थ्री डाउन और थ्री अप वन डाउन ट्विल, और फिगर बी में हमने यूज किया है वन अप थ्री डाउन, टू अप वन डाउन और थ्री अप थ्री डाउन के तीन ट्विल्स को, रेगुलर ट्विल्स को हमने काम में लिया है। और फिगर बी में विकर्णों के विपरीत दिशा में जो कि हमने लास्ट ट्विल जो लिया है उसको हमने रिवर्स किया है यानी कि उल्टी दिशा में चलाया है जिससे कि उसका इफेक्ट हमें अच्छे से दिखाई दे। वो आप आगे चित्रों में देखेंगे कि हमने कैसे इसको बनाया है, बनाने की विधि हम देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो वन अप थ्री डाउन और थ्री अप वन डाउन के दो माइनर लिए हैं, इन दो को हमने दो बार रिपीट किया है और इस हिसाब से हमारी जो साइज बनी है वो 24 बाई 24 का वीव हमने बनाया है। और हमने पहले एंड से वन अप थ्री डाउन का माइनर शुरू किया, वन अप थ्री डाउन, देन थ्री अप वन डाउन, थ्री अप वन डाउन, इसको मार्क करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए जब तक कि हमारे पूरे 24 धागों में ट्विल फिल नहीं हो जाता है, तब तक हमने इसको फिल किया। और उसको हाईलाइट करने के लिए जो धागे अप हैं उनको हमने रेड से हाईलाइट किया है। तो इस तरह देखिए एक जो रेगुलर ट्विल बना है, लेकिन इसके डायगोनल्स आप देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ तीन थ्रेड पर फ्लोट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक एक थ्रेड पर, तो इस तरह वार्प और वेफ्ट दोनों के फ्लोट्स जो है वो डायगोनली हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह ये लार्ज डायगोनल का निर्माण हुआ है। दूसरा लार्ज डायगोनल जो हमने लिया है इसमें देखिए मैनर जो लिया है वन अप थ्री डाउन, टू अप वन डाउन, थ्री अप थ्री डाउन, और देखिए
इसमें हमने जो साइज हमारा बना है वो 26 बाई 26 का है, इसको भी हमने हर एक मैनर को दो बार रिपीट किया है, और वन अप थ्री डाउन का जो मैनर है उसको हमने रिवर्स लिया है। देखिए, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए वन अप थ्री डाउन, टू अप वन डाउन और थ्री अप थ्री डाउन को पहले थ्रेड में फिल करते हैं। वन अप थ्री डाउन, वन अप थ्री डाउन, टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन, थ्री अप थ्री डाउन, थ्री अप थ्री डाउन, और इसको लगातार तब तक भरेंगे जब तक कि ये पूरे थ्रेड्स में फिल नहीं हो जाता, वन स्टेप अपवार्ड चलते हुए। देन अब हमें इसमें जो परिवर्तन करने हैं, जो वन अप थ्री डाउन वाली जो लाइन हमारी भरी है उसको हमने रिवर्स डायरेक्शन में मार्क करके और उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो अब आप इसमें देखिए कि ये जो हमारे ऊपर डायगोनल्स जो बन रहे हैं उनके फ्लोट्स हमें अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं, और जो हमने रिवर्स बनाए हैं उनके फ्लोट्स रिवर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का लार्ज डायगोनल बना है। सेकंड फैंसी ट्विल हमारा है शेडेड ट्विल, छायांकित ट्विल, यानी जिसमें शेड दिखाई दे, ऐसा ट्विल, ऐसा कपड़ा जिनमें जो ट्विल हम बना रहे हैं उसमें शेड्स दिखाई दे, कलर्स कॉम्बिनेशन और वीव कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जाता है जिससे कि शेडिंग दिखाई देती है। इसमें दो तरह का है, पहला हमारा है सिंगल सेड, जैसे कि ट्विल पिक एंड पिक और एंड 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 के संयोजन के द्वारा अन्य बुनाई के गठन को पूरी तरह से समझाया गया है। फिगर आगे हम देखेंगे जिसमें अलग अलग सेक्शंस में हमने फिल किया है और जो कि हमें शेडेड डायगोनल के रूप में दिखाई देगा। जो ट्विल के आधार पर अलग अलग वर्गों में चढ़ाव और उतार की एक अलग संख्या के रूप में लेते हैं, और ये जो हमें दिखाई देगा वो शेड लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट की तरफ हमें दिखाई देगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक विकर्ण जो हमें बनाना है 45 डिग्री के कोण पर बना रहे हैं, 20 बाई 20, 20 एंड और 20 पिक्स के ऊपर हम इस डिजाइन को बनाएंगे। बुनाई के पहले पिक को 5 पिक्स के सेक्शंस में हमने बांट लिया है, जिसमें जो मैनर हम शुरू करेंगे वो 4 अप 1 डाउन पहले सेक्शन के लिए, दूसरे सेक्शन के लिए 3 अप 2 डाउन और तीसरे सेक्शन के लिए 2 अप 3 डाउन और लास्ट जो सेक्शन है उसके लिए 1 अप 4 डाउन का मैनर हम लेंगे। ये जो मैनर है 4 अप 1 डाउन, 3 अप 2 डाउन, 2 अप 3 डाउन, 1 अप 4 डाउन को हम पहले ताने से, पहले वार्प से हम इसको फिल करना शुरू करेंगे जब तक कि ये पूरे हमारे जितने थ्रेड्स हैं पूरे 20 पिक और 20 एंड्स पर जब तक नहीं भर जाता तब तक हम इसको मार्क करेंगे। देखिए फिगर में किस तरह हमने लिया है, मैनर हमारा 4 अप 1 डाउन, 3 अप 2 डाउन, 2 अप 3 डाउन, 1 अप 4 डाउन, इस तरह हमने इसको फिल करना शुरू किया वन स्टेप अपवार्ड चलते हुए। रेगुलर ट्विल हम इसमें फिल कर देंगे और इसके बाद देखिए हम जो इफेक्ट हमें दिखाई देगा ब्लू कलर का वो लाइट टू डार्क की तरफ बढ़ रहा है, और अगर हम देखें तो वाइट सेक्शन को वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों चलते हैं। तो इस तरह हमारा इसमें एक शेड दिखाई देता है, एक ही डायरेक्शन में एक दिशा में जो शेड दिखाई देता है चलते हुए उसको हम सिंगल शेडेड ट्विल कहते हैं। दूसरा टाइप है डबल शेडेड या दोहरी छाया वाला, विकर्ण को जो कि हमें शेड दोनों दिशाओं में बढ़ता हुआ दिखाई दे, फ्लोट जो है अलग अलग हमें दिखाई दें, तो इस तरह के विकर्ण को हम डबल शेडेड ट्विल कहेंगे। फिगर बी में हमें डबल शेडेड कैसे बनाया है वो दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर हमने जो मैनर लिया है वो लिया है वन अप फोर डाउन, टू अप थ्री डाउन, थ्री अप टू डाउन, और फिर उससे रिवर्स हम चलेंगे फोर अप वन डाउन, थ्री अप टू डाउन, टू अप थ्री डाउन। इस तरह ये जो है
30 बाई 30 पर हमने इस वीव को बनाया है। इसमें आप देखिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दो अलग अलग शेड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो डार्क के हैं और जो लाइट के हैं। डार्क जो हमने हाईलाइट किया है उसको देखिए, पहले लेफ्ट टू राइट चलते हुए 1, 2, 3, 4 इस तरह ये जो है फ्लोट्स बन रहे हैं, और इसी तरह राइट टू लेफ्ट चलते हुए भी 1, 2, 3, 4 के जो है फ्लोट्स बनते हैं, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। इस तरह ये शेड हमें दो दिशाओं में दिखाई देता है, इसलिए ये डबल शेडेड कहलाता है। तीसरा जो टाइप है वो है फिगर्ड ट्विल या नक्काशीदार ट्विल। ये वे ट्विल होते हैं जो तिरछी रेखाओं पर, यानी जो विकर्ण बनता है हमारे ट्विल का, उस विकर्ण लाइन पर छोटे छोटे स्पोर्ट्स या फिगर्स को अरेंज किया जाता है, और वो जो फिगर्स हैं वो हमें एक डायगोनल, यानी यूं कह लीजिए ट्विल का एक इफेक्ट उन स्पोर्ट्स का भी हमें दिखाई देता है, जिससे इन्हें फिगर ट्विल कहा जाता है। देखिए बनाने का जो तरीका है, स्पॉट को विकर्ण लाइनों में एक या एक से अधिक बार दोहराया जा सकता है। एक स्पॉट के दोहराव को देखने के लिए आवश्यक है कि रिक्त स्थान को गिने। उदाहरण के लिए डिजाइन ए में क्रॉस जो प्रत्येक तीसरे तिरछे स्थान पर गिने गए स्थानों की स्थिति को इंगित करता है। इसे स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए क्रॉस के बीच डॉट का संकेत दिया गया है। देखिए फिगर ट्विल को हमने 12 धागों पर बनाया है, यानी 12 धागों का विकर्ण बनाया है। उसके ऊपर स्पॉट को 4 बार रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ जो मैनर हमने लिया है, ये पहले हमने 3x3 एक विकर्ण लाइन हमने पूरी बना दी, उसके बाद हमने 3x3 का एक रिब स्पॉट यहाँ बना दिया है, जो कि यहाँ से काउंट करेंगे तो हर तीसरे थ्रेड पर हमारा ये स्पॉट अरेंज हो गया। और उसके बाद जो बचे हुए धागे हैं उनका मैनर हमने चेंज कर दिया। मोटिफ साइज 3x3 का है, और फिर उसके बाद देखिए हमने सिंगल डायगोनल लाइंस दोनों तरफ बना दी हैं, और बीच में स्पॉट रिपीट के लिए भी ऑटोमेटिकली जगह रह गई है। तो ये जो डिजाइन बनेगा ये हो गया फिगर्ड ट्विल। चौथा जो टाइप है फैंसी ट्विल का वो है डायगोनल ऑन साटीन बेस, यानी साटीन के आधार पर विकर्ण। साटीन सबसे पहले हम साटीन एक बनाते हैं, साटीन की जो डायगोनल लाइंस दिखाई देती हैं उन डायगोनल लाइंस पर हम कोई स्पॉट या फिगर अरेंज करते हैं, और उसका रेगुलर जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह उस डायगोनल लाइन पर बनता है, साटीन की लाइन पे बनता है, कि वो स्पॉट हमें एक अलग डायगोनल का इफेक्ट देता है। जैसे कि फिगर ए में दिया गया है, उदाहरण हमने लिया है जहां 8 थ्रेड साटीन के हर क्रॉस पर एक छोटे स्पॉट को हमने अरेंज किया है। 8 थ्रेड साटीन हमने बनाया है। इस 8 थ्रेड साटीन को बनाने के लिए स्पॉट को अलग अलग विकर्ण लाइनों में हर एक मार्क पर दोहराया जाता है, और एक स्पॉट के दोहराव को देखने के लिए यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए डिजाइन ए में क्रॉस जो प्रत्येक क्रॉस मार्क पर ओ यानी सर्किल से स्पॉट स्थानों की स्थिति को इंगित करता है, यानी हर एक क्रॉस के ऊपर हमने अपना स्पॉट को दिखाने के लिए सर्किल का यूज किया है, डॉट्स का यूज किया है। ये देखिए ये जो वीव हमने ग्राफ पर बनाया है उसमें दो अलग अलग स्पॉट हमने लिए हैं। पहले सबसे पहले हमने 8 and 13 बनाया है काउंटिंग नंबर 5 के साथ, और हर एक 13 मार्क के ऊपर हमने मार्किंग किए। पहले हमने सेक्शन बना लिए इनके, फर्स्ट जो डायगोनल हैं सेंटर का जो डायगोनल है उसके आजू और बाजू दोनों साइड के दो डायगोनल्स हैं उनके ऊपर, वहाँ जो भी मार्क हैं उनके ऊपर चारों तरफ हमने डॉट लगा दिए। और उसके बाद
एक डॉट, एक जो डायगोनल लाइन है दोनों तरफ की, एक एक डायगोनल लाइन, उसके ऊपर क्रॉस के ऊपर तीन डॉट्स हमने, तीन डॉट्स तीन एंड्स पे लगा दिए हैं जो कि हमने हाईलाइट किए हुए हैं। तो इस तरह उसके बाद अगली जो डायगोनल बन रही है सटीन की, उन मार्क के ऊपर अगेन वही डॉट्स यानी चारों तरफ एक एक डॉट लगा दिया है। तो इस तरह हमारे जो सेक्शंस हैं इसमें वो बने हैं। जो ब्लू कलर में हाईलाइट किए गए हैं वो क्रॉस के चारों तरफ मार्क लगाए गए हैं, और जो ब्राउनिश कलर से हाईलाइट किए गए हैं वो डॉट्स क्रॉस के ऊपर तीन डॉट्स लगाए गए हैं। तो इस तरह देखिए एक अलग तरह का प्रभाव दिखाई दे रहा है, एक इफेक्ट जो हमें डायगोनली दिखाई दे रहा है। इस तरह के जो प्रभाव है अलग अलग सटीन बनाकर हम अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, आप चाहें तो इसको अलग तरह के सटीन के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह के फैंसी ट्विल को कहते हैं डायगोनल ऑन सटीन बेस। तो आज के इस लेक्चर से आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह फैंसी, कौन कौन सी फैंसी ट्विल्स होती हैं, उन फैंसी ट्विल्स को कैसे बनाया जाता है, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आप ग्राफ पेपर पर आप अपने स्तर पर भी इनको देखते हुए अलग अलग परिवर्तन करके आप बना सकते हैं। थैंक यू।